Assalamu alaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So guys, mathematics continue है, समझ रहे हैं? तो mathematics को समझने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब ही हमें आपको नोटिफिकेशन आएगा. कौन सा नोटिफिकेशन? जो यहां से हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड आप उसमें से अपने आप कोर्स मैथमेटिक्स जो वो कंप्लीट कर सकेंगे, उसका फायदा होगा. ठीक है गाइस, चलो आइए मूव होते हैं. सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6. एक्सरसाइज 1.6 जो है वो है लिमिट के बारे में. सो कह रहे हैं एवेल्युएट करें लिमिट. क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कंप्लीट एक फैक्टर है. 3x³ - 2x² + x डिवाइडेड बाय 4x² + 2x. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको एवेल्युएट करना है. तो देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन अगर गिवन है लिमिट का है तो उसको देखिए पहले लिमिट जो गिवन है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते का मतलब क्या है? क्यों नहीं कर सकते? हाँ उसकी कुछ कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस हैं? अगर देखें कोई भी टर्म उसमें डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है इनफिनिटी डिवाइडेड बाय इनफिनिटी टर्म ना आए. ठीक, 0 डिवाइडेड बाय 0 टर्म ना आए, इनफिनिटी डिवाइडेड बाय 0 ना आए, 0 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी ये भी ना आए. ठीक है, ये था फ्रैक्शनल टर्म्स. उसके बाद इनफिनिटी पावर इनफिनिटी ये भी ना आए, 0 पावर 0 ये भी ना आए, 0 पावर इनफिनिटी एंड इनफिनिटी पावर 0, ये कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं, इनको बोलेंगे इनडिटरमिनेट टर्म्स. इनडिटरमिनेट अगर कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम है उसमें देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें, अगर आपका आंसर इन किसी भी टर्म से इन्वॉल्व है, इनफिनिटी डिवाइडेड बाय इनफिनिटी एक इनडिटरमिनेट टर्म है, मींस ये सॉल्वेबल नहीं है, पता ही नहीं क्या टर्म है कौन सी चीज है. तो आंसर अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से उसे कोई भी आंसर मिल रहा है दैट इज इनडिटरमिनेट. अगर इनडिटरमिनेट आंसर आ रहा है तो क्या करेंगे? उसको मजीद सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. कैसे? वो क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन किस कंडीशन में है, क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कॉमन भी फैक्टर निकल सकते हैं, फैक्टराइज भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. ठीक है, आई बात समझ में? मींस डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, देखें डायरेक्ट लिमिट अगर आंसर इनडिटरमिनेट टर्म्स मिल रहे हैं तो उनको मजीद सिंप्लीफाई करना है. कैसे? आइए मूव होते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं. 3x³ फर्स्ट टर्म के साथ x वेरिएबल मौजूद है, 2x² + x तीन फैक्टर तीनों टर्म्स में x वेरिएबल मौजूद है, डिवाइडेड बाय 4x² + 2x. ठीक, अब देखिए डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 3x की जगह पे 0, x टेंड्स टू 0 है, 3 पर -2 x की जगह पे 0 स्क्वायर आ गया, प्लस x की जगह पे 0, 4x की जगह पे 0 होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0. ठीक, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है. 3x 0 पे तो 3 पावर का आंसर 0 ही रहेगा, प्लस 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट आउट, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 पे कुछ भी पावर हो 0 ही रहेगा, प्लस 2 * 0 मींस 0, 3 * 0 मींस 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0 प्लस 0, 0 - 0 मींस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 मींस 0. जो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से क्या आंसर आया? 0.0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, दैट मींस डायरेक्ट लिमिट हम नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है, तो ये देखना जरूरी है, जरूरी नहीं साइड पे सॉल्व करना. माइंड से आप देखें हर टर्म के साथ x वेरिएबल मौजूद है तो x वेरिएबल मौजूद है, x की 0 वैल्यू है तो सब टर्म 0 हो जाएगा. ठीक, तो ये जरूरी है इंडिटरमिनेट टर्म अगर आ रहा है उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते आप. तो क्या करना है? इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम
इस कंडीशन के हिसाब से कैसे सिंप्लीफाई होता है आइए देखते हैं। चलो अब आंसर क्या मिला इनडिटरमिनेट रहा, अब इनको मजीद सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप तो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब x टेंड्स टू 0 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x, तीनों टर्म्स के साथ x वेरिएबल मौजूद है तो x को कॉमन ले सकते हैं, तीनों के साथ मौजूद है x को कॉमन टेक आउट करें, 3x क्यूब से x कॉमन आ चुका है बाकी 3x स्क्वायर माइनस साइन 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में x कॉमन ले लिया है तो बाकी x रह जाएगा प्लस x कॉमन आ चुका है तो बाकी रिमेनिंग 1 ठीक है, x से डिवाइडेड बाय x 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सर पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के साथ x मौजूद है तो x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहां से भी x कॉमन ले सकते हैं 4x स्क्वायर से x कॉमन है x x कॉमन ले चुके हैं एक टर्म तो x स्क्वायर में x डिवाइड करेंगे तो मुझे एक x रह जाएगा प्लस 2x कॉमन ले चुके हैं तो बाकी सिंपली 2 रहेगा ठीक। इस स्टेप में सिंपली फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम द डिनोमिनेटर हमने x कॉमन लिया, अब x जो कॉमन लिया हुआ है उसे डिवाइड हो सकता है कैंसिल, अब कैंसिल होने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये है न्यूमरेटर में 4x प्लस 2 ये है डिनोमिनेटर में ठीक है, ये दोनों टर्म्स आ चुके हैं क्या किया जस्ट एक स्टेप में हमने वैल्यू कॉमन लिया जो x था वो सिंपलीफिकेशन इसमें यही हो सकती थी, x वैल्यू कॉमन लेने के बाद अब ये फैक्टर रह चुका है, अब क्या करेंगे लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं हम, सो बाय अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये लिखना जरूरी है, लिमिट अप्लाई करेंगे वो लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 0, सो अब x की वैल्यू 0 है means x is replaced by 0 3x square x की वैल्यू 0 पावर 7 minus 2 multiply by x x की वैल्यू 0 है plus 1 divided by 4 multiply by x 0 है plus 2 7 ठीक है guys and then अब क्या करते हैं z का सू इस स्टेप को कंटिन्यू करा 3 into 0 power 2 0 square means 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 प्लस 1 सेम है डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0 प्लस 2 ठीक, एंड देन इसकी मदद सिंपलीफिकेशन है आगे वो होते हैं कैसे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0 माइनस 0 0 की कोई वैल्यू लेफ्ट आउट बाकी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2 मींस ये 2 है जिकस 0 प्लस 1 मींस 1 0 की कोई वैल्यू नहीं है डिवाइडेड बाय 2 है सो 1 अपॉन 2 सो 1 अपॉन 2 जो है वो जो गिवन क्वेश्चन है उसकी इवैल्यूएशन का आंसर आपके सामने है, जो गिवन क्वेश्चन था उसकी इवैल्यूएशन है सिंपलीफाई करने के बाद आंसर मिला जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है, ये रियल टर्म हमें मिला है तो इसी पहले डायरेक्ट टर्म अप्लाई करें तो इनडिटरमिनेट टर्म आ गया, सिंपलीफाई किया लिमिट अप्लाई की उसके बाद एक रियल टर्म आ चुका है ठीक है गाइस, ये था इसका आंसर लिमिट का जी गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम इवैल्यूएट का लिमिट पे है, इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 जो टर्म है फैक्टर जो है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है तो इसको सिंपलीफाई करना है इवैल्यूएट करना है तो पहले देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा ठीक है, तो आइए देखते हैं अब देखिए पहले डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 3 है तो x की जगह पे 3 आ चुका है स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x रिप्लेस बाय 3 माइनस 3 सेम है सो 3 स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इज 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल हो गया बाकी 0 तो देखिए आपके सामने है 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव कैंसिल 0 डिवाइडेड बाय 0 तो 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 मींस इन डिटरमिनेंट टर्म आ चुका ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों नहीं इन डिटरमिनेंट टर्म मिल रहा है इन डिटरमिनेंट टर्म आ रहा है तो इसको मजीद सिंपलीफाई करना पड़ेगा कैसे वो क्वेश्चन को देखें एंड देन कैलकुलेट करें कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं,
सो देखें अब जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है उसमें है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर टर्म है माइनस 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है डिवाइडेड बाय x माइनस 3 7 तो इसको ऊपर जो न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हैं दो टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है माइनस हो रहे हैं चलो ठीक है डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ठीक इस स्टेप में जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स थे x स्क्वायर माइनस 9 को हमने रिड्यूस किया 3 स्क्वायर अब दोनों टर्म्स माइनस हो गए दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है अगर दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आइए देखें इसका एक साइड पे हम फार्मूला है यूज करेंगे अगर दो टर्म्स माइनस है दोनों का अलग अलग स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इसको इस तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं मजीद ठीक है चलो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो फैक्टर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब दो फैक्टर्स बनेंगे इनमें से पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय x माइनस 3 7 ठीक इस स्टेप में जस्ट जो न्यूमरेटर में टर्म था उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से फैक्टराइज किया है तो फैक्टर्स आ चुके हैं x माइनस 3 में से कैंसिल हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है आफ्टर द कैंसिलेशन क्या टर्म हमारे पास मौजूद है हमारे पास टर्म सिंपली x प्लस 3 बचा है ठीक है अब क्या करेंगे इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे हम ठीक है बाय अप्लाई लिमिट जो लिमिट x टेंड्स टू 3 है x टेंड्स टू 3 जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे लिमिट यहां पर x टेंड्स टू 3 है तो x टेंड्स टू 3 जो लिमिट है उस लिमिट को हम अप्लाई करेंगे तो x इज रिप्लेस्ड बाय 3 अब देखिए यहां पर x प्लस 3 तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 आ चुका है 3 प्लस ये 3 सेम है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 दोनों आपस में प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 ये है इसकी वेरिएशन क्लास ठीक है अब देखिए डायरेक्ट हमने अप्लाई किया था तो 0.0 सिंपलीफाई करने के बाद इज ए रियल नंबर जी आपके पास एक रियल नंबर आ चुका है ठीक है तो ये था इसकी इवैल्यूएशन का आंसर ठीक है गाइस अल्लाह हाफिज़